उत्तर प्रदेश में हो रही हत्याएं व अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो हत्या का गवाह था और पुलिस सिक्योरिटी में था उसकी भी हत्या कर दी गई, जिस पर हत्या का आरोप था और पुलिस सिक्योरिटी में था उसकी हत्या प्रेस के कैमरे के सामने हो गई। इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझकर हत्या करवा रही है। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि आज तमंचा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है। अपराधियों की आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। मैं अपने सभी प्रेस के लोगों का और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथियों का और हेमंत यादव के परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के लोगों को याद होगा, बलिया में अभी मैं कुछ दिन पहले आया था और एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी, न केवल बलिया बल्कि देश के लोगों के बीच में भी ऐसी घटना सुनने और देखने को नहीं मिली होगी। एक व्यापारी नंदलाल गुप्ता अपना लाइव कर करके और उसने अपने आप को गोली मार ली, और गोली इसलिए मार ली कि सूदखोर उस पर लगातार दबाव बना रहे थे और सूदखोर जो लोग थे जिनसे उसने पैसा उठाया था वो सरकार के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीब था। जो कार्रवाई कठोर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद हमने और आपने प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में ऐसी घटना नहीं देखी होगी जहां पर प्रेस के सामने, ये अलग बात है कोर्ट क्या तय करता है अपराधी है कि नहीं है, लेकिन पूरे टीवी कैमरे के सामने हत्या हुई। आप कल्पना करिए, जो गवाह है, जिस पे सरकार की सिक्योरिटी है और सरकार की सिक्योरिटी में सुरक्षित गवाह नहीं है उसकी हत्या हो जाती है, जिस पे आरोप है वो सरकार की सिक्योरिटी में है उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब तो यही है, एक साधारण व्यक्ति यही समझ सकता है कि सरकार जानबूझ करके हत्या करा रही है। और बलिया जैसी दुखद घटना, छात्र सभा का सदस्य हेमंत यादव जो होनहार था और संघर्षशील और अपने ही मेहनत और अपने परिश्रम से वो छात्र राजनीति में स्थान बना रहा था, टीडी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो उसके बढ़ते हुए कद को और छात्र संघ में जिस तरीके से छात्रों को जोड़ने का काम कर रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। और सोचिए, इतनी नफरत, इतना घृणा, इतना मन के अंदर गुस्सा कि उसे मार मार करके जान ले ली। आज के युग में, आज के समय में कोई कल्पना कर सकता है कि लाठी डंडे से, हॉकी से मार मार करके जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस चौकी बगल में हो। ये उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है, जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी जब नगर निकाय का चुनाव था वो चुनाव कूड़े और नाली का था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उपमुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा। आज हम लोग जानना चाहती है, जनता जानना चाहती कि तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए और अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है अपराधियों की। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है, और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसीलिए बनती है जनता की कि कोई अगर न्याय मांगने जाए तो उसे न्याय ना मिले? आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके सारे पे काम कर रहे हैं? केवल चुनाव जिताने के लिए अधिकारी हैं,
बेईमानी करने के लिए अधिकारी हैं। क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुशामद करेंगे और उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे? हेमंत यादव की घटना ये राजनीतिक घटना है, और एक नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता था, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे पर हत्या हुई है, और उनके सारे पर हत्या नहीं हुई होती तो अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? जो आईओ है, जो पुलिस देख रही है, वो भेदभाव की जांच कर रही है, और इतना भेदभाव कर रही है जिससे कि न्याय उसको भविष्य में ना मिल पाए। मैं व्यक्तिगत जो वकीलों से बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई, मुझे नहीं लगता है ये प्रशासन और आईओ जिस तरह से काम कर रहा है वो कहीं उस परिवार को न्याय मिल पाएगा। जिस सरकार में न्याय ना मिले उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये सही है नफरत फैला करके समय समय पर झूठा प्रचार करके सत्ता में हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग आने वाले समय में जनता को जगाएंगे, जागरूक करेंगे, और ऐसे इस सरकार के तमाम फैसले जनता को बता करके इन्हें से सत्ता पे हटाने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, केंद्रीय नए संसद के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, सावरकर के 140वीं आप लोकसभा का उद्घाटन कर लो, लोकसभा में बेंचें अच्छी लगा दो, लोकसभा का रंग अच्छा कर लो, और हेमंत यादव जैसा का मर्डर हो जाए लोकतंत्र में, उस जगह कौन बैठेगा? अगर लोकतंत्र में गरीब को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो इतनी संस्थाएं बड़ी बड़ी बना करके खर्चा करने का क्या लाभ है? मैं भी सोचता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश को डायल 100 दिया, पुलिस दी, व्यवस्था अच्छी की, जब वही पुलिस मदद नहीं कर रही तो मैं सोचता हूं हमने क्यों डायल 100 दिया? क्या आपके जिले में नहीं याद है नंदलाल गुप्ता? ये तो दो घटनाएं मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आपने वो घटना भी देखी होगी जिसमें अधिकारी और प्रशासन के लोग ना उन्हें मिलकर के एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी को जिंदा जला दिया था, बुलडोजर लेकर के आए थे और माँ बेटी जिंदा जल गई ब्राह्मण समाज की। वही नहीं, एक बलवंत सिंह मार मार करके उसकी जान ले ली, पुष्पेंद्र झांसी में पुलिस ने उसकी हत्या की, उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा, 1 साल हाईकोर्ट के चक्कर लगाए उसने, और तब जाकर के उसे न्याय मिला, FIR दर्ज हुई। उसकी पत्नी ने आत्महत्या इसलिए कर ली, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो अगर ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आप बड़ी बड़ी संस्था बना करके उद्घाटन कर करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? और किसी की तारीख हो, जन्म की तारीख हो, किस पे आप उद्घाटन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। आप झूठी कहानी कितनी भी पढ़ दो, और आप तो ये भी कहते होंगे कि वो तैर करके पानी से निकल करके आ गए। आप इतिहास पढ़ना, पानी में कहाँ तैरे थे, इतिहास के पन्ने आप पलटना। डर इतना भी है आप लोगों को भी कि अगर आप भी सच दिखा दोगे हो सकता है आप पे भी कार्रवाई हो जाए। आज नीति आयोग की बैठक थी और कई जो है विपक्षी दल के मुख्यमंत्री नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग और NCRB, नीति आयोग में आप ओवरऑल उत्तर प्रदेश को देखोगे तो नीचे से कामयाबी हासिल कर रहा है, और जो दूसरे मुख्यमंत्री नहीं गए हैं उनके साथ नीति आयोग भेदभाव कर रहा है, आप कर रहा है। आप पैसा नहीं देंगे उन प्रदेशों को, और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश मान लीजिए जिसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ पर बिजली कितनी महंगी है बताओ, गेहूँ बलिया में खरीदा सरकार ने, 1 किलो गेहूँ भी खरीदा हो तो बताए सरकार, क्या प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस देकर के पूरा गेहूं नहीं खरीदवा दिया बलिया का? आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए गेहूं कौन खरीद ले गया बलिया का? क्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं खरीद ले गई? तो आप नीति आयोग को ये बताओगे कि हम प्राइवेट लोगों को गेहूं खरीद दे रहे हैं, और ये सरसों का तेल, रिफाइंड तेल जो गरीब खा रहा है, बताओ कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी? ये सिलेंडर जो करीब 400-500 रुपए के होते थे, हमारे मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हम बेरोजगारी दर इतनी है,
इसका मतलब ये हुआ 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हम जिस गांव में खड़े हैं, आसपास जहां खड़े हैं, क्या 100 लड़कों में केवल 4 बेरोजगार हैं? ये झूठ बोलती है सरकार। तो आप लोकसभा का नई बिल्डिंग बना रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगार घूम रहा है, आप नई बिल्डिंग बना रहे हो। अभी मैं बगल से होके आया हूँ, मेडिकल एक डॉक्टर उनके यहाँ होकर के पूरे सड़क के डिवाइडर पर सांड बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम छोटा जानवर को ख़त्म कर देंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में छोटा जानवर घूम रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? तो क्या लोकसभा में आप और विपक्ष का कोई सम्मान नहीं? लोकतंत्र में विपक्ष का अगर सम्मान नहीं है तो लोकतंत्र किस बात के लिए? और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में तो कम से कम सच बोलो। अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर उसको आप मंदिर मानते हैं, तो मंदिर में आप सच्चे आंकड़े क्यों नहीं देते हैं? आप झूठे आंकड़े क्यों पेश करते हो? आप नीति आयोग में बैठक की बात है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, बताइए। दूसरी बात, जनता ने सरकार बना दी, किसी गरीब को क्या सरकारी अस्पताल में इलाज मिल जाएगा? जो व्यवस्था की थी 108 102 डीजल पेट्रोल नहीं, खड़रादा हो गई, बर्बाद हो गई। क्या ये नीति आयोग को बताएंगे कि हमने बर्बाद कर दिया? क्या नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि 100 नंबर जो हमने दी थी 112 करके बर्बाद कर दिया? क्या मंडी में खरीद हो रही है? बताओ हमें, बलिया के लोग यहाँ खड़े हैं, किसान कहीं मंडी में खरीद? एक गेहूं नहीं खरीदा 1 किलो। और ये पत्रकार सब जानते होंगे, आड़तियों के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से सब बड़े बड़े लोग, विदेशी कंपनियां ले गई आपका गेहूं। अच्छा, दिल्ली सरकार को लेकर के जो अध्यादेश लाई है और विधेयक लाने वाली है, देखिए आपका क्या? जो लोकतंत्र में आप सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं, आप ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों कर रहे हैं? चुनी हुई सरकार की जो पावर है उसको आप छीन रहे हैं। वहां तो दिल्ली दूर है, अरे गवर्नर हाउस से ट्रांसफर की आ रही है खबर कि इस वाइस चांसलर को ये कर दीजिए, इसको सस्पेंड कर दिए, रजिस्ट्रार सस्पेंड कर दिया। क्या गवर्नर हाउस रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर सकता है? यहाँ जितने भी लोग हैं, आप मंत्री रहे, रजिस्ट्रार को तो सरकार अपॉइंट करती है, गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। गवर्नर हाउस सस्पेंड कर रहा दे रहा है।